नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी की ज्ञानशाला में। दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कंसिडर ए प्रोग्राम यूजेस 2 byte इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। प्रोसेसर हैज 32 रजिस्टर्स एंड सपोर्ट 1 एड्रेस एंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इफ द प्रोसेसर, एक्चुअली ये प्रोसेसर होगा, एक मिनट, ये जो है दोस्तों ये प्रोसेसर होगा, ठीक है। हैज 128 वन एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन, तो व्हाट विल बी है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसकी अगर हमें इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं ऊपर से पेन ले लूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि ये जो प्रोसेसर है ये 2 byte यानी कि 16 bit के इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहा है। तो 2 byte का मतलब क्या हो गया, 16 bit हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है तो उसमें बेसिकली जैसे कोई इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मैं ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिख रहा हूँ कि भाई इंक्रीमेंट कर दो R1 को। तो जो इंक्रीमेंट है इसको ऑपकोड बोला जाता है और ये जो R1 है इसको रजिस्टर बोला जाता है। इन द सेम वे ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अगर हमको 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखना है मान लो, तो ये जो पहला वाला होता है वो क्या होता है, मेरा आप कोड होता है, ठीक है। जो दूसरा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं। और जो तीसरा होता है उसको R2 बोलते हैं, क्योंकि इस 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में 2 रजिस्टर होते हैं, 1 एड्रेस में एक ही रजिस्टर होता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनता है। ये किसका फॉर्मेट है, तो ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास 16 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, यानी कि ये जो है इसकी जो लेंथ है पूरी, ये कितनी है 16 बिट, ठीक है। ये कितनी लेंथ है दोस्तों, तो ये 16 बिट की लेंथ है। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि जो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है उसमें 2 रजिस्टर, यानी एक रजिस्टर, जैसे कि आप पहले लिखा है रजिस्टर 32 बिट का है, यानी कि एक 32 रजिस्टर है, यानी कि 5 बिट लगने हैं इस रजिस्टर को यूज़ होने में। तो अगर 5 बिट लगने के, क्योंकि 2^5=32, तो यानी कि अगर मैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखूं, यानी कि अगर मैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा 5 बिट का एक रजिस्टर और यहां पे ऑपकोड, ठीक है। लेकिन ऑपकोड 1 एड्रेस का अलग से नहीं लिखा, नंबर ऑफ 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन 128 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात कर लूँ, तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कुछ कैसा होगा, तो यहाँ पे 2 रजिस्टर्स होंगे 5-5 बिट के, और फिर टोटल 16 बिट है, तो 5-5=10, तो ये बचा 6, तो ये 6 बिट का होगा। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2^2, यानी कि टोटल जो ऑपकोड हो सकते हैं वो 2^6 तरीके के ऑपकोड हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो 2^6 ऑपकोड, यानी कि जो 64 ऑपकोड है, उसमें से आपको ये नहीं पता कि 1 एड्रेस के कितने हैं और 2 एड्रेस के कितने हैं, ओके। सो आप क्या करोगे, आप मान लोगे कि 2^6 तरीके के ऑपकोड हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि 2^6 तरीके के ऑपकोड हैं, और आप मान लोगे कि आपको पता है कि नंबर ऑफ 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है वो कितना है, 128 है, ठीक है। अब आप मान लोगे कि ये जो 2^6 ऑपकोड हैं, ठीक है, इसमें जो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है उसके ऑपकोड की नंबर ऑफ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो हैं वो x हैं। यानी कि अगर हमने मान लिया कि नंबर ऑफ 2 एड्रेस ये x है, तो अगर हम 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन निकालना चाहें जो कि हमको यहाँ दिया हुआ है 128, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2^6 जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑपकोड होंगे माइनस x, क्योंकि इसमें से आप क्या घटा दोगे, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन घटा दोगे, इनटू, अब 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मैंने पहले ही बताया कि एक ही रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर का कितना है 2^5, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, 32 हैं, और एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने में कितनी बिट, 5 बिट, तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, 32, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 128 कर दिया। अब दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं
तो आपका जो आंसर आने वाला है दोस्तों वो 60 आएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, 2 की पावर 6 माइनस एक्स इंटू 2 की पावर 5 इक्वल टू 128, तो इसका आंसर 60 आएगा। तो यानी कि 60 नंबर ऑफ टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होंगे यहाँ पे, और ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ये है कि जो हमें गिवन है उसकी हम इक्वेशन बना लेंगे और उसमें जो एक्स है उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमको वीडियो के कमेंट में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।